और नरेंद्र मोदी ने क्या किया, पहले अपने कोच को मारा, अडवाणी जी मेन कोच थे, दो पंचेस उन्होंने उसको मारे, फिर उन्होंने अपनी टीम के लोगों को पंच मारा, मगर उसमें नरेंद्र मोदी जी जो मेन उनका ओपोनेंट था, गरीबी बेरोजगारी हिंदुस्तान के दिल में जो दर्द है उसको भूल गए। और ये रिएक्शन देखिए, चौकीदार भ्रष्टाचार वाला जिसको बॉक्सर ने डिफीट करना था, हराना था, ये वो आवाज है। ये कह रहे हैं कि भैया इस बॉक्सर ने भ्रष्टाचार की बात की थी, मगर उल्टा इस बॉक्सर ने पूरा का पूरा पैसा वो अनिल अंबानी को दे दिया। और एक और आवाज उठ रही है, एक और आवाज उठ रही है राष्ट्रवाद की, पाकिस्तान पर प्रहार। आप कहते हैं 72,000, मोदी कहता है पाकिस्तान पर। नहीं नहीं नहीं, मैं भी कहता हूँ कि देखिए, अगर कोई भी देश, कोई भी शक्ति ये सोचती है कि वो हिंदुस्तान के लोगों को मार सकती है, यहाँ आतंकवाद कर सकती है, तो ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान वापस मारेगा, 100% वापस मारेगा, मगर अलग अलग दुश्मन, एक दुश्मन बेरोजगारी, एक दुश्मन गरीब, एक दुश्मन नेशनलिज्म का आइडिया, वो सब है। मगर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी सेना के पीछे छुप रहे हैं। उनके एक व्यक्ति ने कहा, मोदी की सेना, इससे बड़ा अपमान जवानी की जनता, हमारे सोल्जर्स, हमारे एयरफोर्स के लोग, हमारे नेवी के लोगों का हो सकता है। जब हमारा कोई सेना का व्यक्ति शहीद होता है, क्या वो नरेंद्र मोदी के विषय में शहीद होता है, क्या वो नरेंद्र मोदी के लिए शहीद होता है, या वो हिंदुस्तान के लिए? सेना हिंदुस्तान की, सेना नरेंद्र मोदी की कभी नहीं हो सकती। और नरेंद्र मोदी ने सेना का राजनीतिक प्रयोग किया। जब पुलवामा हुआ, मैंने सीधा बोला, कांग्रेस पार्टी शहीदों का प्रयोग नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी पूरा का पूरा सपोर्ट सरकार को, सेना को दी। तो बिल्कुल नेशनलिज्म, मगर